हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सो आज अपन जा रहे हैं भाई थोड़ा सा लद्दाख घूमने। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब लद्दाख घूमने मतलब आज जा रहे हैं अपन भाई थोड़ा सा लेह वगैरह घूमेंगे यार। और गाड़ी खड़ी है ये अपनी भाई। और आज 13 तारीख है, आज सरचू से आज हम पहुँचे हैं लेह पर तकरीबन 4:30 बजे। आपने वो वाला ब्लॉग भी देख रखा होगा, हमने मोस्टली अभी तक 3-4 पासेस कम्प्लीट कर लिए हैं और कल भी हम 1-2 पास और कम्प्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे हम कारगिल निकलेंगे। तो फिलहाल तो अपन जा रहे हैं यहाँ से लेह की मार्केट घूमने और 1-2 जगह और घूमेंगे लेह में। और भाई ये है अपना होटल, गेस्ट हाउस, आप कुछ भी बोल लो इसे, ठीक है, मतलब जिस हिसाब के उसका प्राइस पे पॉइंट है। और यहाँ पे खड़ी अपनी गाड़ी, सेफ गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है, देख रहे हो। आ जाओ एक बार मैं अंदर से आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखो कर सकते, देख रहे हो ये है यहाँ का, ये पूरा होटल है अपना जो हमने लिया है। ये है सन्नी, मजा आ रहा है। अरे ये भाई क्या है भाई, वहाँ से कम ठंडा है, थोड़ा बाहर जा रहा है। ये देखो ये माल रोड का नहीं है, इधर से राइट आइस हॉकी। देखो भाई भैया ने काफी, भैया का जिनका होटल हुआ ना गेस्ट हाउस, काफी भैया ने मेडल वगैरह भी जीत रखे हैं भाई नेशनल लेवल पे। अच्छा आइस हॉकी के लिए खेलो इंडिया। ओ भाई साहब बहुत है भाई, इंडिया में आइस हॉकी बहुत कम जगह खेला जाता है वैसे। हैं यहाँ पे दिखा था ना, मैप में दिखा था। शिवांश भी आ गया है टोपी में। सो चलो सीधे अब चलते हैं मॉल रोड वगैरह घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं। टोपी छोड़ चल पड़े हैं अपन लेह की मार्केट घूमने भाई। और भाई टेम्परेचर की बात करें ना तो 11 डिग्री हो रखी है भाई यहाँ पे टेम्परेचर। इधर जाए पूछ लेते किसी से। और भाई ये देखो भाई छोटो क्या बोलता सिवांश, मौसम कैसा है? तगड़ा ठंडा मौसम एकदम पूरा। तुम मतलब A few moments later आ गए भाई बहुत देर पहाड़ चढ़कर ऊपर घूमने भाई, सस्ता मॉल रोड ऑफ ले। क्या कह रहा है, थोड़ा खास नहीं लग रहा? हाँ मतलब वैसा थोड़ा हल्का है। क्या तो हम लेट हो गए हैं शायद, पर खैर इसी टाइम को घूमने लोग निकलता है, पर अब बिना मास्क की दुनिया घुसी वहाँ पे। आ जाए एक बार चक्कर काटते हैं। मार्केट है और खास नहीं लग रहा यार, हैं जो कि कुछ, हाँ मतलब कुछ यूनिक आइटम जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पे, हाँ कुछ यहाँ पर जैसे कि यूनिक आइटम हो, देख लो। मतलब ये कि सारा ना फैंसी और एक्सपेंसिव लग रहा है बिना फालतू का। सर्दियों के कपड़े ज़्यादा हैं, गर्मियों के लिए कुछ भी नहीं है। अब जैसे नहीं हुई देख, ये देख यहाँ पर कुछ मिल सकता है ले लेंगे। पहले तो यार खाने पीने की भी जगह भाई, नहीं पहले कुछ ले लेते हैं फिर खा देते हैं। देख रहे हो भाई इसमें चलेगा, कहाँ गए भाई, थक गए? क्या कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, बोरिंग सा लग रहा है ना। हाँ भैया फोटो शूट वाली जगह मिल गई है सन्नी। हाँ यहाँ अपना होगा भाई फोटो शूट, थंबनेल वाली फोटो शूट होगी यहाँ पे। सो भैया पूरी मार्केट हमने घूम ली है भाई अभी तक। और भाई अगर मैं आपको ना प्राइस बताऊँ ना भाई, तो यहाँ पर जो चीज़ों की प्राइस है ना भाई, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई।
एक कीरिंग भाई, छोटी सी कीरिंग का प्राइस सन्नी बताएगा। सन्नी बताइए वो कीरिंग का प्राइस कितना था? 180 एकदम छोटा सा। गैन ये कीरिंग की प्राइस कितनी बताई? 180 भाई साहब, 180 रुपए की भाई कीरिंग। भाई अपना आगरा हो तो ना भाई, तो भाई दुकान वकान बंद हो जाती भाई, और कुछ नहीं। 180 रुपए की लगा हुआ है। हाँ उसमें भाई भीड़ बहुत लगी हुई है। मार्केट की बात बोलूँ ना भाई, देखने में तो अच्छी है, फोटो खिंचवा लो, घूम लो, इधर उधर सब कुछ कर लो भाई, पर खा के घर चले जाओ भाई। एकदम सही बोला भाई, पर चीज़ों की प्राइस पूछोगे ना भाई तो भाई गड़बड़ भाई, पूरा बजट खाली भाई, पूरा बजट खाली। सिवांस तो भाई कुछ बोलने के लायक नहीं रहा भाई, लूट रहे भाई। अब चलो देखते भाई, कुछ तो लेके जाएंगे भाई, आए तो कुछ तो लेके जाएंगे भाई, ऐसे नहीं है कि खाली हाथ लौट जाए भाई। अपनी शॉपिंग चालू है भैया। भाई मैंने दो चीज़ें ली हैं भाई अभी तक, एक तो भाई फ्रिज में चिपकाने का है लिया भाई, और एक ये लिया भाई लद्दाख वाला। उधर अपना सन्नी भाई गुड्डा चुन रहा है भाई अपने लिए। दो मेरे लिए लियो, दो तो ये मेरे पास आए हैं, दो लियूंगा मैं। कौन को तूने कौन से लिए पहले वो देखा? एक ये और एक ये। मेरे कौन से अपनी खरीदारी हो चुकी है पूरी भाई, अब जाएंगे पेट पूजा करने भाई। इस दुकान में मैं बताऊँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा लगा मतलब फैमिलियर थे, और मतलब वर्थ था, मतलब कि हाँ बार्गेनिंग अच्छी थी, मतलब तुम्हारी भी थी उनकी भी थी। तो अब यहाँ से चलते खाना वाना खाते हैं, खाना खा के निकलेंगे। क्या खाते हैं? कुछ हल्का ही खाएंगे और क्या। हाँ सो यार ठंड कैसी हो रही है? ठंड तो नहीं हो रही है? ठंड तो खैर ठीक ही ठाक है। अब कल का प्लान है हमारा पेंगोंग का। बढ़िया बढ़िया। सो चलो यार कुछ खाते हैं यार, पता चले यहाँ पे रात को ही बंद हो जाए। खाना खाने बैठ गए अपन, और यहाँ पर बैठे भाई खाना खा ले, थोड़ा सा पहाड़ी खाना है यहाँ का, टेस्ट करेंगे। अभी सूप मंगाया हमने, और इनने भाई देसी बंदे रोटी वाले भाई, हम तो भाई सूप पियेंगे, काम चलाएंगे सूप पीकर। हाँ शिवान पियो पियो।